एक्सरसाइज 1.6 इनवर्स मेथड एंड क्रेमर रूल। इसका हमारे पास सिक्स पार्ट है, वन का क्वेश्चन नंबर वन का। गिवन इक्वेशंस इक्वेशंस आर गिवन हमारे पास है, 4x + y = 9, 3 - 3x - y = -5। तो हमने इसके ऊपर दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, क्रेमर भी एंड इनवर्स भी। तो सबसे पहले हम इनवर्स मेथड यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, 4y - 3 - 1, x and y = 9 and -1। यानी कि ये 4 है, ये 1 है, ये आ गया, -3 - 1 ये आ गया, और साथ xy = 9 and -5, क्योंकि इक्वेलिटी में ये है। तो इसको हमने a कह लिया, ये x है, ये b है। तो x इक्वल a इनवर्स b, x निकालना है तो a इनवर्स इधर आगे हो जाएगा, साथ b हो जाएगा, ये 1 है। अब हमने निकालना है a इनवर्स। a इनवर्स में क्या है, एडजॉइंट a ओवर a डिटरमिनेंट, एडजॉइंट a ओवर a डिटरमिनेंट है। तो नाउ अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट। ये इसका फार्मूला है, ए डिटरमिनेंट इक्वल डिटरमिनेंट का साइन, और ये ए के जितने भी एलिमेंट है यहाँ लिख लिए। 4 ones are -4, माइनस फार्मूले का ये भी नेगेटिव है, 3 ones are 3। 4 में से 3 निकाल दिया तो -1 बच गया। एडजॉइंट में क्या है, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। -1 4 हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। तो फ्रॉम टू इक्वेशन हमने ये यूज करनी है, ए इनवर्स इक्वल, ये ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट का ये है, और नीचे क्या है इसके डिटरमिनेंट, ये एडजॉइंट की वैल्यू, फिर माइनस नीचे -1 डिटरमिनेंट। अब ये ए इनवर्स हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्स इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये देखो ये -1, नीचे -1 है, 1 है, तो मैंने ये माइनस सब में चेंज कर दिया, ये -- प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, साथ क्या आ गया 9 - 5। अब क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 9 ones are 9, 5 ones are 5, 9 threes are 27 माइनस का, फिर ये देखो एंड 4 fives are 20, -, +20 हो गया। 9 में से 5 निकाल दिया 4 बच गया, 27 में से 20 निकाल दिया -7 बच गया। अब ये x किसके इक्वल है, x है इस कॉलम के, x एंड y है, तो पहला x का हमारे पास x 4 है, y दूसरा क्या -7 है। अब क्या करना है, अब हमने यूज करना है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में वही ये तो है, यहाँ तक हमने सेम लिख लिया। अब क्या करना है, वी नो डैट जो क्रैमर रूल का मेथड है, ये फार्मूला है, x इक्वल ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, फिर y इक्वल ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नाउ ए डिटर्मिनेंट है इक्वल 4 1 - 3 - 1 है, 4 ones are -4, माइनस फार्मूले का 3 ones are 3 - -5 = +, तो 4 में से 3 निकाल दिया -1 हो गया। यानी कि 4 ones are -4, फिर माइनस फार्मूले का ये भी माइनस है, -, -+ हो गई। अब ये हमारे पास अब निकालना है ax कैसे होता है, ये दोनों x हैं, ये दोनों y हैं। जब ax निकालना है तो ax छोड़ देंगे, तो ये b वाला यहाँ पुट करेंगे, 9 - 5 1 - 1, ay में क्या है, ये y वाले छोड़ देने हैं, यहाँ b पुट करना है, 4 - 3 9 1, दोनों स्किप, 9 - 5, ये ax और ay हो गया। अब क्या करना है, ए एक्स और ए वाई का लिया डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 ones are -9, माइनस फार्मूले का -, -+ 5 ones are 5, 9 में से 5 निकाल दिया तो -4 बच गया। अच्छा अब ए वाई का डिटर्मिनेंट है 5 4s are 20, -, -+ 9 3s are 27, तो -20 and +27, ये हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया, ये 27 बड़ा है। अब क्या करना है, फ्रॉम 1 ये मुसावा नंबर 1 लेनी है हमने,
एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की निकालनी है। एक्स का फार्मूला ये यूज किया माइनस फोर ओवर वन, क्योंकि ये हमारे पास माइनस फोर है, ए एक्स डिटर्मिनेंट माइनस माइनस कट, ये हमारे पास क्या बच गया, अकेला फोर हो गया। वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई सेवन है, नीचे क्या है माइनस वन है, सेवन में सेवन डिवाइड माइनस वन, तो ये माइनस सेवन हो गई। अब इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू फोर है, वाई की वैल्यू माइनस सेवन है, इसका और इसका दोनों का आंसर सेम है, तो ये हमारे पास क्रैमर एंड इनवर्स दोनों प्रूव हो गए।